माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। भारत की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक साधारण प्रवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेफई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की और श्री कर्पूरी ठाकुर श्री राजनारायण के संपर्क में आकर वे सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल के रूप में के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एच डी देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता, समाजवादी संसदीय दल भी रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे। वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे
अनुरोध करता हूँ कि इस सदन की भावना को शोक संतप्त उनके दुखी परिजनों तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।